अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफान जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं की है। और आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ मटन तहारी। वैसे मैं मटन तहारी बोलती भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो ये, मैं पूरे वीडियो में आपको सिर्फ यही बोलती हुई नजर आऊंगी, मटन का रेड पुलाव। हम तो सिर्फ इसे रेड पुलाव कहते हैं, मटन का या चिकन का। वैसे मैंने चिकन का रेड पुलाव या चिकन तहारी कही है, वो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो आज अभी फिलहाल ना मैंने यहाँ मीडियम साइज की दो प्याज ली है, इसकी छील निकाल ली है और इसे मैं स्लाइस करके काट लेती हूँ। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं तीन टमाटर है, इनकी भी मैं छील निकालूंगी और बारीक बारीक काट लूंगी। यहाँ मैंने दो टाइप की हरी मिर्चियां रखी है, ये है फीकी वाली, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, और ये तीखी वाली है। मैं दोनों का इस्तेमाल करना चाहूंगी, बट आपने नहीं करना कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा, बट मैं दोनों ही डाल रही हूँ। और नींबू है, मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें डालना कहाँ है नींबू को। और हाँ, बस थोड़ी सी कोथमीर, जैसे आप हरा धनिया कहते हैं, मैं हमेशा इसे कोथमीर ही कहती हूँ। आप मुझे कोथमीर कहते हुए ही सुनोगे, तो मैं तो कोथमीर ही कहती हूँ। अच्छा, और चावल, बस। तो मैं चावल कौन से ले रही हूँ पता है, दो कप चावल लूंगी, शायद मुझे लग रहा है दो कप हो जाएंगे, या तकरीबन समझिए ना 500 ग्राम के रहेंगे, और आधा किलो का ही मटन रहेगा विथ बोन्स ऑब्वियसली। और तो चलिए यहाँ मैं प्याज काट लेती हूँ और फिर क्विकली अंदर जाते हैं और क्विकली बनाते हैं हमारी मटन तहारी। और आप तहारी गई और मैं ऐसे मटन का रेड पुलाव करूंगी। चलिए मैं फटाफट टमाटर काट लेती हूँ बारीक पीसेस में। तो चलिए ये कट चुका है टमाटर, और अब चलिए क्विकली जाते हैं और मटन तहारी, जिसे मैं तो मटन रेड पुलाव कहती हूँ, उसे बनाते हैं झटपट। एक पतीली के अंदर तेल डालिए, तेल थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और अब गरम मसाले डाल दीजिए। ये है 2 डंडी दालचीनी की, 1 बादियान, 3-4 लौंग, 2-3 हरी इलायची, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता और 6-8 काली मिरी और 1 बड़ी इलायची। ये सारे साबुत गरम मसाले डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाते हैं गरम मसाले, तो डाल दीजिए यहाँ प्याज, मैंने जो लंबी लंबी स्लाइस करके काटी हुई वो सारी डाल दीजिए और उसे भी फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये प्याज है ना लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, हाँ नहीं तो काला कलर आना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन कीजिए ये प्याज को। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, तो यहाँ मैं टमाटर डाल देती हूँ, 3 मीडियम साइज के थे, मैंने छील निकाल ली थी और बारीक बारीक काट लिया था, इसे मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बस ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसे भी आप फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर, तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए अदरक लहसुन की। उसी के दरमियान में मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटा चाय का चम्मच नमक, या स्वाद अनुसार डालिएगा, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। और जब ये जो अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू चली जाती है, देखिए अगर चली गई, तो यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ स्लो आंच और ढककर 2-3 मिनट पकने रह देती हूँ, जब तक ये जो टमाटर नम नहीं हो जाते। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर नम हो चुके हैं। अब यहाँ पर ना यहाँ मैंने 1/2 किलो गोश्त लिया है, तकरीबन चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धोकर नितार कर यहाँ पर मैं पतीली में डाल देती हूँ। इसके साथ साथ डाल दीजिए 2 से 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर, मैं 2.5 डाल रही हूँ, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैंने 2 डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए अगर ज़्यादा स्पाइसी हो तो, और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छा, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 1/2 छोटा चाय का चम्मच डालिएगा, क्योंकि बच्चे वगैरह होंगे धाक ज़्यादा लगती है गरम मसाले की। मिक्स कीजिए और इसे मीडियम या फास्ट आँच पर पकाइए, 2 से 3 मिनट तक भूनिए। अच्छा, मेरी जो पतीली है ना नॉन स्टिक नहीं है, तो मैं 1 मिनट के बाद हल्का सा पानी का छींटा मारकर मिक्स कर इसे भूनने रहने देती हूँ तकरीबन 2 मिनट और, तो टोटल 3 मिनट हो जाएंगे ना। अगर आपकी नॉन स्टिक हो तो आप बीच में पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो क्या मसाला चिटकना चाहिए, जब मसाला चिटक जाएगा तो हमारा मजा ही खराब हो जाएगा, चूल्हा मीडियम पर है।
चलिए 3 मिनट हो चुके हैं भूनकर मटन को मसाले में, तो यहाँ पर मैं दही डाल देती हूँ। 200 ग्राम फेटी हुई दही है, ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे लीजिए और चूल्हा मीडियम पर ही रखिए। इसे मिक्स कीजिए, बार बार चलाते रहिए और तकरीबन इसे भी 2-3 मिनट तक मीडियम आँच या फास्ट आँच पर भूनने दीजिए। जब 3 मिनट हो जाते, बीच में मैंने यहाँ हरी मिर्ची एक डाल दी है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब जब 3 मिनट हो जाए तब आप चाहें तो 1 कप पानी डालकर इसे ढककर स्लो आंच पर, धीमी आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक मटन नहीं गल जाता, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा जितना मटन समय ले। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्विकली बनाना है तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ कुकर के अंदर और इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसका ढक्कन लगा दीजिए और इसमें सीटी बजने दीजिए फास्ट आंच पर। तकरीबन 2-3 सीटी हो जाए फास्ट आंच पर, चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने दिया। तब तक आपको पता होगा आप आपके मटन को कितनी देर पकाते हो, मैं तो 15 से 20 मिनट के दरमियान तक ही रखती हूँ स्लो आँच पर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी पतीली में बनाकर इसमें क्यों डाला और डायरेक्टली इसमें क्यों नहीं बनाया, आप इसमें डायरेक्टली बना सकते हैं, उसमें वो खुला बर्तन था तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखे। मैंने इसके लिए वो प्रोसीजर किया था पतीली में बनाने वाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधा किलो बासमती चावल लिया, आप कोई भी चावल ले सकते हैं आपकी मर्जी का, आप जो इस्तेमाल कर रहे हो रेगुलर चावल भी, सुरती कोलम या टुकड़ा चावल कोई भी आप लीजिए आपके हिसाब से। यहाँ पर मैंने लिया है बासमती लिया है और ये वाले बासमती है ना, मैं हमेशा लूज ही लेती हूँ, मैं कोई ब्रांड के नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कप के हिसाब से, मेरे कप के हिसाब से मेजर किया तो 2.75 से 3 कप बन रहे हैं, 2 कप नहीं बन रहे, मैंने आपको पहले 2 कप बोला था ना, तो सॉरी फॉर दैट, 3 कप के अंदर बन रहे हैं, 2.75 से 3 में। अब आपके कप के हिसाब से आधा किलो चावल लेके पहले माप लीजिएगा, क्योंकि हमें वो कप के हिसाब से आगे पानी डालने में काम आएगा और फिर उस हिसाब से क्या है ना, आपके चावल मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालोगे ना तो छोटे छोटे होंगे, नहीं तो एकदम सौगी सौगी हो जाएगा और मजा नहीं आएगा पुलाव में। तो इसे मैं अभी साइड पर रख रही हूँ, मैं भिगा नहीं रही हूँ, नहीं बिरयानी की तरह हम इसे भिगाते नहीं है, जब मैं पानी बॉइल करने रखूंगी ना तब भिगाने रखूंगी, तो इसे मैं साइड पर रख रही हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मुझसे सबसे फर्स्ट शॉट मिस हो गया, तो अगर आप मेरी तरह घुलक्कड़ है तो मिस मत कीजिएगा। पतीली के अंदर तेल जैसे डालते हैं, और अगर आप शौकीन है तो वो पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तेल डालने के बाद ये हरी मिर्चियों में स्लिट मार के उसे फ्राई करके निकाल लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 8-10 सेकेंड फ्राई कीजिए, थोड़ी थोड़ी सी आपको लगे कि आगे पीछे थोड़ी सी स्पॉट्स आने लगे फिर निकाल लीजिए निकाल कर। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई एज यूजुअल, तो मैं अभी कर लेती हूँ। ये पतीली खाली है और वो कुकर पे जो गोश है वो पक रहा है 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो चलिए क्विकली मैं उसे कर लेती हूँ। चलिए वही पतीली जो है उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा तेल और ये जो स्लिट करी हुई फीकी वाली हरी मिर्चियाँ हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए इसे फ्राई कर रही हूँ। और चलिए फास्ट आंच पर फ्राई करते हुए ये जब थोड़े से चिट्टे आने लगे इसके ऊपर तो मैंने निकाल कर इन्हें साइड पर रख दिया। और ये जो तेल है अब मैं इसे इसी में ही डाल दूंगी कि अभी इतना सा तेल मैं कहाँ रखूँ ना, लेकिन आप चाहें इसी तरीके से आपसे भी मिस्टेक हो जाए तो आप किसी भी सब्जी या सालन के अंदर इस्तेमाल कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए 20 मिनट हो चुकी है, चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद और इसे ठंडा हो जाने देती हूँ। जब ठंडा हो जाता है तो इसे खोलकर चेक कर लीजिए, मटन तकरीबन है ना 97-98% तक गला हुआ होना चाहिए, ये देखिए परफेक्टली गला हुआ है 98% तक। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ वही पतीली के अंदर जिसमें हमने पहले भगाना था सारी चीज़ें, अब इसमें डाल दीजिए और इसका है ना चूल्हा चालू कर दीजिए। अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो पानी दिख रहा है आपको, हमें उसे भी सुखाना है क्योंकि उसके बाद हमें फिर से पानी डालना है, तो उसमें हम भी कंफ्यूज ना हो जाए ना। तो अब इसे फास्ट आंच पर इसे थोड़ा सा भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल और अच्छे से छूट नहीं जाता और ये जो पानी है ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता। इसी के दरमियान ना जब तक ये सूख रहा है यहाँ हम डाल देते हैं आधा नींबू, वैसे ये छोटा है तो मैं आधा डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कोथमीर डाल दीजिए बारीक कटी हुई और 1 बारीक हरी मिर्ची मैं काट कर डाल देती हूँ, आप टोटली स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टार्ट में जैसे मैंने डाला था उसी समय सारी हरी मिर्चियाँ डाल दें। अच्छा, मिक्स कर लेती हूँ और इसे पकने देती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर के बाद कितना अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है और सिर्फ तेल और थोड़ा सा मसाला दिख रहा है। तो अब जब ये स्टेज पे आ जाए तो पानी डाल दीजिए, तकरीबन मैं 6 कप पानी डाल रही हूँ वो इसके लिए, क्योंकि यही कप से मैंने मेजर किया था चावलों को तो 3 कप था, तो हमें डबल पानी डालना है तो मैं 6 कप डाल रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो प्लस
आधा कप ऊपर डाल सकते हैं पानी, थोड़ा सा सॉफ्ट और होने के लिए चावल। अब यहाँ पर नमक डाल दीजिए चावलों के भाग का, और इसमें ढककर एक उबाल आ जाने दीजिए फास्ट आंच पर। अच्छा, अभी मैंने पानी बॉईल करने रखा ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 बार पानी से धोकर साफ पानी में इसे थोड़ी देर चावलों को भिगाने रख दिया था। मैंने कोई पहले पानी पानी में भिगाने चावल को नहीं रखा है। अब जैसे आप देख सकते हो, उबाल आने के बाद ही मैंने रखा था, तो इसे पहले से आप सोक करके मत रखिए। चलिए, एक उबाल आ चुका है, इसे खोल लीजिए, और अभी जो चावल है इसे नितार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे चावल डाल दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए मेरी तरह और ज्यादा डालनी है कोथमीर, तो थोड़ी सी फिर से तो कोथमीर डाल दीजिए, और इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए। 1 से 2 बार ही बीच में चलाइएगा, हाँ, और इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो पानी है ना 80% तक सूख नहीं जाता, तब तक उसे फास्ट आंच पर पकने दें। बीच बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। यहाँ पर मैं दही का कचुम्बर बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दही ली है गाढ़ी सी, ये डाल रही हूँ। हरी मिर्ची काट कर मैंने मोटा मोटा डाला है, क्योंकि हम सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, फिर बाद में निकाल लूंगी मैं, मुंह में आएंगी तो निकाल के साइड पर रखने के लिए होगी ना, क्योंकि इंसान भी खाता है ना। चलिए, इसमें मैं काट के ये बारीक कटा हुआ ये डाल देती हूँ, क्यूकम्बर, मेरा मतलब है काकड़ी, और या फिर आप खीरा भी कहते होंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा ये जो पादरा नमक, मैं तो पादरा नमक कहती हूँ, आप शायद इसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, और थोड़ी सी कोथमीर, सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कुछ कम लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा खीरे का कचुम्बर, मैं तो इसे काकड़ी का कचुम्बर कहती हूँ, दही वाला। चलो, इसे साइड पर रख देते हैं। चलिए, 80% सूख चुका है पानी, आप देख सकते हैं। एक बार चला लीजिए। आपने अगर फ्राई की हो मेरी तरह हरी मिर्चियाँ फीकी वाली, तो इसके ऊपर रख दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। चूल्हा जैसे आपने देखा मैंने स्लो कर दिया, और ढक कर दम पर इसे 15-16 मिनट पकने दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऊपर वजन रख रही हूँ, आपने नहीं रखना तो कोई बात नहीं। मेरी पतली पतीली नहीं है, तो मैं नीचे तवा नहीं रख रही हूँ। अगर आपकी ज़्यादा पतली और चिटकने का डर हो, तो आप नीचे गर्म तवा रख कर फिर स्लो पर रखें। मैंने 5-6 मिनट के बाद खोल लिया है, और इसे एक बार मैं चला लेती हूँ। ये देखिए, 5 मिनट के बाद कितने अच्छे से चावल सूख चुका है। फिर से मैं दम पर रहने देती हूँ तकरीबन 10 मिनट तक, तो तकरीबन 15 से 16 मिनट टोटल हो चुके हैं। और ये देख लेती हूँ पानी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छे से ड्राई आउट हो चुकी है, नीचे हल्की सी लगना शुरू ही होने जा रही है। तो बस अब चूल्हा बंद कर दीजिए, एक बार फोल्ड लीजिए और सर्व कीजिए। चलिए, अभी से गर्मा गर्म निकालते हैं, नमाज पढ़ चुकी हूँ मैं, और बस अभी निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से खिले खिले चावल माशाल्लाह बने हैं। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए, तो आप जब दम पे रख रहे हैं तब भी आप थोड़े से और एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं, हाँ, मेरे लेकिन मुझे हमें ऐसे ही पसंद है खिले खिले से, तो मैंने ऐसे ही रखे हैं। अच्छा, अब बढ़िया सी तो बन गई हमारी मटन ताहिरी कहिए, या मटन रेड पुलाव मेरी जबान में कहिए। इसे मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ हमारी दही के कचुम्बर के साथ, जिसमें मैंने सिर्फ खीरा डाला है, और कुछ मैंने बकरीद के लिए मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है। आप लोगों के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा और जरूर बनाइएगा उन्हें भी। तो चलिए, आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ, मैं खा रही हूँ, और चलिए मेरे साथ आइए खाइए। देखती हूँ मैं टेस्ट करके, टेस्ट भी नहीं की हूँ। बहुत ही मजेदार, एकदम परफेक्ट। अब आप खुद बनाइए और आपको खुद को पता चलेगा, बहुत ही मजेदार है, जरूर ट्राई कीजिएगा बकरीद के टाइम पे, या बकरीद के बाद जब आपके पास गोश्त रहता है बकरीद का, उस टाइम पे जरूर बनाइएगा। और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, और हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, आपको आपके फैमिली और फ्रेंड्स में मेरा ये लिंक फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। तो चलिए, फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय मटन ताहिरी, वैसे मैं इसे मटन रेड पुलाव कहती हूँ। अल्लाह हाफिज।